हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो लेके। ये देखिए मेरे दूल्हे राजा जी अपनी दुल्हनिया को लाने के लिए बिल्कुल रेडी। हाँ जी, तो ये वीडियो है जिस दिन ये दुल्हन लाने जा रहे थे हमारे घर के लोग, तो यहाँ उसकी रस्म है और इस रस्म को हमारे घर गौना कहते हैं। आपके यहाँ ये रस्म होती है कि नहीं होती, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये सारी रस्में हो रही थी, मतलब बारात निकलने से पहले तो सारे लोग रेडी हो गए थे और मैं भी। ये सुबह 8 बजे बारात, 8 या 9 लगभग बज रहा था और ठंडी का टाइम था, बहुत ठंडी लग रही थी। मैं तो स्वेटर पहनी थी और बाबू मेरा सो के उठा था और ये लोग लेके आ गए थे। मैं भी यहाँ पे दिखी, आपको खड़ी दिखूँगी घूंघट में, क्योंकि ससुराल है तो घूंघट करना पड़ता है। तो मैं भी दिख रही हूँ आप लोग को, लेकिन घूंघट में। और ये मेरी बुआ सास हैं जो गाना गा रही है, और ये देखिए मेरे छोटे देवर और बाबू। तो सारी रस्में हो रही हैं, आप लोग भी इंजॉय करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। यहाँ देखिए जैसे बारात निकलने से पहले परछन होता है यहाँ पे, सेम। और मेरा बाबू देखिए कितना खुश था, मतलब बारात के दिन तो रो रहा था लेकिन आज बहुत खुश था, एकदम अच्छे से बैठा था और कोई भी इसको दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए जिसने भी रिकॉर्डिंग किया था, थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, इसके बाद आगे की क्लिप आपको सारी अच्छी मिलेंगी, तो थोड़ा सा एडजस्ट आप लोग कर लीजिए और वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। और अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे देखिए वो लोग घर पहुँच चुके थे, तो वहाँ का क्लिप तो कोई ले लिया नहीं, तो ये विदाई की क्लिप थी जो मैंने रिकॉर्डिंग से निकाली है। और इसके बारे में कोई भी लड़की कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि जिसकी भी शादी हुई है वो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझ सकता है। जो मैंने भी फील करा है तो मैं इसका दुख बराबर समझ सकती हूँ कि उस टाइम इसको कितना पेन हुआ होगा। घर पे आने के बाद भी बहुत ज़्यादा रो रही थी, फिर हमने समझाया तो ठीक हो गए। फिर बाद में सब बहुत रो रहे थे तो हमारी भी आंखें एकदम नम हो गई थी, इसके साथ हमने भी रोया, हमारी दोनों सास ने भी रोया, इतना सब लोग रो रहे थे। तो आप इंजॉय करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए हमारी वीडियो को। तो यहाँ देखिए अब दुल्हन आ चुकी है हमारे घर। तो यहाँ की जो रस्में होती हैं, मतलब दुल्हा और दुल्हन को गाड़ी से उतारने से पहले, तो हमारे यहाँ होता है 5 औरतें होती हैं मिलके, पहले सिंदूर, जो लड़की हाथ में सिंघोरा ली रहती है उससे सिंदूर उसके मांग में भरते हैं। फिर मैंने उसका फेस वगैरह थोड़ा थोड़ा सही किया और उसके बाद फिर इसे हमने गाड़ी से नीचे उतारा। तो आप देखिए और बताइए हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। घर में किसी ने जब तो सियाना लगा पड़ गया दिया होगी दिया सिंधुरा भगवानियो सिंधुरा।
तो यहाँ देखिए दुल्हन अब घर के अंदर आ चुकी है और ये रस्म होती है पासा खिलाने वाली, जो कोहबर के सामने बैठकर करते हैं। और सिया जी को देखिए, इनकी तो मस्ती हर जगह ही चालू रहती है। और हम लोग की मेरी जब शादी हुई थी तब कोहबर दीवार पे बना था, गोबर से बनता है, पर अभी क्या घर नए बन गए हैं, दीवार ख़राब ना हो तो ये इस तरह से कागज़ पे बनाकर उसको चिपका दिया जाता है। फिर यहाँ पे हमारी कुछ हंसी मजाक वाली बातें चल रही थी जो हम एक दूसरे से कर रहे थे, और मैं भैया को कुछ तो समझा रही थी, अभी क्या मुझे भी भूल गया है। फिर सारी रस्में हो गई वहाँ पर, फिर इसके बाद से इन लोगों ने भगवान का आशीर्वाद लिया, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। तो यहाँ पे भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद ये दुल्हन को हमने रूम में उठा दिया था। उसके बाद भैया सारे बड़ों का आशीर्वाद लिए, जितने भी इनसे बड़े थे, इसमें मैं भी शामिल हूँ क्योंकि मैं भी बड़ी हूँ। तो उसके बाद सारे लोग का आशीर्वाद लिए। और आप लोग देखिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए, अगर हमारी वीडियो आपको लाइक अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।